हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम एक साथ दो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहली स्टोरी का टाइटल है द ग्रेट हॉर्समैन। देखिए, पिछले कुछ क्लासेस में भी हमने स्टोरीज रीड की हैं और ये जो स्टोरी रीडिंग के क्लासेस मैं लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका उद्देश्य यही है कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हों, आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स का पता लगे और फिर आप जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करते हैं उसको आपको समझने में आसानी हो, उसमें कोई मुश्किलें ना आए। ठीक है, तो पिछले सेशंस भी आप देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और ये कहानी का सेशन जहाँ पे हम दो स्टोरीज एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहली कहानी देखिए पढ़ते हैं, द ग्रेट हॉर्समैन। यहाँ जो ग्रेट शब्द है ये एडजेक्टिव है और हॉर्समैन है वो नाउन है। मैंने आपको बताया है कि जब जब डिटरमिनर के बाद में दो शब्द होते हैं तो वहाँ पहला शब्द एडजेक्टिव कहेंगे आप, डिटरमिनर के ठीक पास वाला, मतलब आर्टिकल के ठीक पास वाला, और उसके बाद में फिर वो नाउन हो जाएगा। यहाँ द क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं फिलहाल तो कि कौन सा हॉर्समैन, लेकिन टाइटल है और टाइटल में हम आर्टिकल संबंधी एरर्स नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिए। यही हम न्यूज़पेपर में सीखते आए थे और यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ग्रेट हॉर्समैन, ग्रेट मतलब महान है और हॉर्समैन जो शब्द है इसका मतलब अश्वारोही होता है, जो जो स्किल्ड हो हॉर्स राइडिंग में उसे कहते हैं क्या, हॉर्समैन। अब देखिए विस्तार से इस कहानी को रीड करते हैं। कह रहे, अ मैन वॉज इन द वुड्स व्हेन ही वॉज बीटन बाई एनिमीज। एक व्यक्ति वॉज था इन द वुड्स, जंगल में, वुड्स का मतलब जंगल होता है। व्हेन ही वॉज बीटन, जब उसे पीटा गया, बाई एनिमीज, किसके द्वारा, शत्रुओं के द्वारा। तो जब शत्रुओं के द्वारा पीटा गया तब उस समय वो कहाँ था, जंगल में था। काम की बात देखिए क्या है, काम की बात यहां पे ये है कि वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स जहां हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है जंगल। वुड का मतलब तो क्या है, लकड़ी, और वुड्स का मतलब क्या है, जंगल। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा याद रखिए, वॉज बीटन दे रखा है तो बीट की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीट ही सेकेंड फॉर्म होती है, और बीटन ही वर्ब की बीटन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, बीट बीट बीटन, ये होता है पीटना। और वॉज बीटन है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म है, वॉज क्या है, बी की सेकेंड फॉर्म है। बी के फॉर्म्स पता होंगे ही आपको, मैंने बताया है बी की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म जो बी की होती है वो होगी वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन, बी का आईएनजी रूप है वो होता है बीइंग। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दे रखी है वॉज, इसके साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है फिर देखिए, एक व्यक्ति, अब ये व्यक्ति जो है निश्चित नहीं है, यहाँ पे पहली बार व्यक्ति आया है इसलिए ए का प्रयोग है। वो था जंगल में, कब की बात है, जब उसे पीटा गया एनिमीज के द्वारा। एनिमीज को और क्या कहा जा सकता है, तो एनिमी का एक सिनोनिम आप लिख सकते हैं, एनिमी का सिनोनिम लिख सकते हैं फो, एफ ओ ई। और वैसे तो होस्टाइल भी कहते हैं दुश्मन को, लेकिन होस्टाइल जनरली राष्ट्र के लिए, देशों के लिए यूज करते हैं हम, होस्टाइल नेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन है, होस्टाइल नेशंस हैं, इंडिया पाकिस्तान है, होस्टाइल नेशंस हैं, अमेरिका नॉर्थ कोरिया है, होस्टाइल नेशंस हैं। ठीक है, होस्टाइल भी कहलाता है, एनिमी का फो भी होता है। तो ये तो एक लाइन हो गई, आगे बढ़िए। पीपल इन द नियर बाई विलेज, जो लोग थे पास के गांव में, रेस्क्यूड हिम, उन्होंने उसे बचाया, बट वर अनअवेयर, लेकिन उन्हें पता नहीं था, दैट की ही वॉज द किंग, कि वो राजा था। पीपल, लोग, अब लोगों का भी पता नहीं कौन से हैं। तो नियर बाई विलेज के जो लोग थे, जो आसपास, जो पास के गांव के लोग थे, उन लोगों ने बचाया, रेस्क्यू किया, सेकेंड फॉर्म रेस्क्यूड। हिम आ रहा है किसके लिए, जो पिट गया था व्यक्ति उसको, तो उसे बचाया। लेकिन वर, वर लोगों के लिए ही आ रहा है, पीपल प्लूरल है। अनअवेयर का मतलब होता है जानकारी नहीं होना, दैट ही वॉज द किंग, दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो एक क्लोज स्टार्ट हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है फिर वर्ब आ रही है कि वो राजा था, कि वही राजा था। ठीक है, द किंग लगा रखा है, वैसे तो ए लगा सकते थे, लेकिन चूंकि उसी प्रदेश का, उसी क्षेत्र का राजा, तो डेफिनेट ही माना जाएगा, तो द का प्रयोग है। तो लोग जो थे पास के गांव में, उन्होंने उसे बचाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो राजा है। ठीक है, अवेयर का ऑपोजिट है अनअवेयर, याद रखिए। अब कई बार हम देखते हैं कि अवेयर के साथ में ओव लगा रहता है, ओ एफ, लेकिन वो तभी होता है जब उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है। ठीक है, एक काम की बात बता देता हूँ,
कि हम अवेयर के साथ साथ और क्या लगा सकते हैं। अवेयर का एक सिनोनिम होता है कॉग्निजेंट, ठीक है, कॉग्निजेंट भी होता है, अवेयर भी होता है। इनका मतलब है कॉन्शियस होना, किसी चीज की जानकारी होना, कॉन्शियस भी हो सकता है। और सभी के साथ में ही याद रखिए कि ऑव लग जाता है अगर उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इन सभी के साथ में क्या लग जाता है, ऑव का प्रयोग करते हैं। ओ एफ को क्या पढ़ते हैं, ऑव पढ़ते हैं, अव या ऑव, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन्होंने बचा लिया। रेस्क्यू का मतलब क्या है, सेव करना, बचाना। वन ऑफ द विलेजर्स, अब जो गांव वाले लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ने लेट हिम स्टे, रुकने दिया एट होम, घर पर। एंड नर्स्ड, नर्स मतलब देखभाल करना, हिम उसकी बैक टू हेल्थ, और तब तक देखभाल की जब तक कि उसने फिर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर लिया, फिर से वो ठीक नहीं, चूंकि मार खाई हुई थी इसकी, पिट गया था, अब बिल्कुल सही हो गया, तब तक उसकी देखभाल की। वन ऑफ द विलेजर्स, तो यहां सब्जेक्ट जो है वन है, क्योंकि विलेजर्स जो थे बहुत सारे थे, उनमें से एक गांव वाले ने। इसकी वर्ब है लेट। लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। लेट का मतलब क्या होता है वो लिख लो। लेट का मतलब होता है अलाउ समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब है किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करना, किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, वो क्या कहलाता है, लेट। लेट के साथ दो चीजें ध्यान रखेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और दूसरा याद रखिए कि लेट के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, मतलब कोई टू वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सीधी सीधी बेस फॉर्म लगेगी, वी जीरो लगेगा। ये दो बातें लेट के विषय में ध्यान रखनी है। तो कह रहा है कि गांव वालों ने उसे रुकने दिया, मतलब एक गांव वाले ने उसे रुकने दिया अपने घर पे। अब देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है हिम, यहां ही नहीं आ सकता। और स्टे, सीधी बेस फॉर्म आ रही है, टू स्टे या स्टेज या स्टेड या स्टेइंग, ये सब नहीं आ सकता। नर्स का मतलब देखभाल करना है, नर्स का मतलब क्या है, लुक आफ्टर करना, टेक केयर, ये सब कहलाता है नर्स। नर्स बराबर क्या कर सकते हो, लुक आफ्टर कर सकते हो, देखभाल करना, ठीक है। तो उन गांव वालों में से एक ने उसे घर पे रुकने दिया और उसकी देखभाल की, कब तक, जब तक कि उसको फिर से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल गया। व्हेन ही रिकवर्ड, अब वो जो राजा था जब वो रिकवर हो गया, देखिए व्हेन जब शुरू में आता है ना सेंटेंस के और प्रश्न बनाता है तो इसे हम बोलते हैं कब। जब शुरुआत में आता है और क्वेश्चन बनाता है तो हम बोलते हैं कब, जब बीच में आता है तो इसको बोलते हैं जब, और ये प्रश्न नहीं बनता तब भी जब का ही अर्थ देगा। तो जब वो रिकवर हुआ, ही की वर्ब रिकवर्ड है, रिकवर हुआ मतलब वापस से ठीक हुआ। ही लेफ्ट द विलेज, तो उसने गांव छोड़ दिया, वो गांव से चला गया। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, लीव सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो उसने गांव को छोड़ दिया, चला गया वहां से। ही टोल्ड द मैन, उसने उस व्यक्ति को बताया, ही टोल्ड द मैन, उसने उस व्यक्ति को कहा, हु नर्स्ड हिम, किसको कहा, जिस व्यक्ति ने उसकी देखभाल की थी। हु किसके लिए आ रहा है, इस मैन के लिए, हु बीच में आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और किसको रिलेट करता है, पहले वाले शब्द को। तो उसने, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड है, उसने उस व्यक्ति को बताया जिसने उसको नर्स किया था, दैट की हिज नेम वॉज महाश्वरोहा, कि उसका नाम कौन क्या है, महाश्वरोहा। अब यहां वोज कैसे आ रहा है, यहां तो इज आना चाहिए, बताया है उसका नाम ये है, क्योंकि देखिए कंजंक्शन से पहले, ये जो कंजंक्शन है दैट, इससे पहले आप देखेंगे तो पास्ट फॉर्म दे रखी है सेकंड फॉर्म, और कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म अगर दे रखी है, मतलब मैन क्लोज में अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, मुख्य उपवाक्य में जब सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो आगे भी पास्ट लेके चलना होता है। तो उसने उसको बोला कि उसका नाम है महाश्वरोहा, और ब्रैकेट में उसका अर्थ समझा रखा है कि द ग्रेट हॉर्समैन, महा मतलब ग्रेट और अश्वरोहा मतलब हॉर्समैन। ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू कम टू टाउन, कि जब भी तुम टाउन आओ। अब ये इन्वर्टेड कोमाज है, ये जो दो कोमाज होती हैं इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमाज। और ये जब स्टार्ट करते हो आप, तो ये हम आपको स्टेटमेंट बताने के लिए करते हो, कोई भी स्टेटमेंट है, कुछ भी आपने कहा है उसको बताने के लिए करते हैं। तो जब भी आप आओ टाउन, टेल द सेंट्री, सेंट्री होता है जो गार्ड होता है, संतरी होता है जो कस्टडियन होता है ना, तो सेंट्री का मतलब भी नोट कर लें आप। सेंट्री जो शब्द है,
इसका मतलब है गार्ड या कस्टडियन। तो जब भी आप आए टाउन में तो बता देना किसको, गार्ड को, सेंट्री को, क्या मेरा नाम, नाम क्या बताया था, महाश्वरोहा। अब ये माई नेम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, अगर ये कॉमा हटा दोगे ना तो यहां हिज हो जाता, नरेशन का जो आप पार्ट पढ़ते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो उस हिसाब से प्रोनाउन चेंज हो जाता। तो नाम बता देना, एंड ही विल ब्रिंग यू टू मी। अभी मैंने बताया कि देखिए वर्ब जो है वो पास्ट में चलेगी, सेकेंड फॉर्म दे रखी है सैड, लेकिन ये चूंकि चेंज नहीं हुआ है, आप यहां देख रहे हो कि कॉमा लगा रखा है उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास दे रखा है, तो चेंज ही नहीं हुआ, तो हमें भी आगे वर्ब को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो जब तुम टाउन आओ तो बताना मेरा नाम और वह आपको मेरे पास ले आएगा, ठीक है, ही विल ब्रिंग यू टू मी। मंथ्स लेटर, मंथ्स मतलब महीनों, लेटर बाद में, ये टाइम के लिए आता है लेटर, पहले भी हमने डिस्कस किया इस बात को, मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसको कि एक तो लेट, लेटर, लेटेस्ट, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन भी ध्यान रखें मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक होता है लेट, लेटर, लास्ट। ये जो लेट, लेटर, लेटेस्ट है ये टाइम में, टाइम बताने के लिए आता है, और ये वाला जो है ये सीक्वेंस बताता है, क्रम बताता है। इसे हम हिंदी में कहेंगे बाद में, इसे हम हिंदी में कहेंगे बाद वाला, ये डिफरेंस है बाद में और बाद वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि महीनों बाद में, ये टाइम की बात कर रहा है, द किंग इंक्रीज द टैक्सेस इन हिज किंगडम, राजा ने क्या किया, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, क्या टैक्सेस, कर अपने साम्राज्य में, किंगडम साम्राज्य। हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स। और पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद जो शब्द लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो ये किंगडम इसका नाउन है, ठीक है। तो राजा ने कुछ महीनों के बाद में क्या किया, महीनों बाद में कर बढ़ा दिया। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, अप्रोच दैट मैन, वो उस व्यक्ति के पास गए, कौन सा व्यक्ति, जिसने उसकी सहायता की थी, उसको नर्स किया था, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट वन ही हैड नर्स्ड, कि वो व्यक्ति जिसे उसने नर्स किया था, ये हैड नर्स्ड है, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट परफेक्ट, ऐसा किया था, चूंकि पास्ट का पास्ट हो गया, उन्होंने बताया, बताया और उससे पहले ये इवेंट हो चुका था, तो दो काम जब हों और उनमें से पहले जो काम होता हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो विलेजर्स ने अप्रोच किया उस आदमी को और उसे बताया कि भाई जिसकी उसने तुमने देखभाल की थी ना वो राजा था, ठीक है। द मैन वेंट टू द टाउन, वो आदमी जिसने नर्स किया था वो गया का टाउन में, वेयर द किंग वेलकम्ड हिम, जहां, जहां कहां, टाउन में। ये रिलेटिव एडवर्ब है, जो जगह बताते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो ये वेयर किसके लिए आ रहा है, टाउन के लिए, उस टाउन में राजा ने उसका स्वागत किया, वेलकम किया। ही स्पोक टू द किंग, उसने राजा से बातचीत की, स्पोक क्या है, सेकेंड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। उसने राजा से बात की, किस बारे में, टैक्सेस के बारे में, एंड ही अग्रीड टू एबोलिश इट, और राजा सहमत हो गया एबोलिश करने के लिए। एबोलिश का मतलब क्या होता है, रद्द करना, कानून आदि समाप्त कर देना, तो टैक्स जो बढ़ाया था उसको खत्म करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि यहाँ पे टैक्सेस था तो इसको देख के तो डैम आना चाहिए था, इट नहीं आना चाहिए था, टैक्स ही होता तो इट लगता, टैक्सेस था तो डैम आना चाहिए। एबोलिश के सिनोनिम्स आप लिख लीजिए, एबोलिश जो शब्द है इसके सिनोनिम्स आप लिखें, एक होता है नलीफाई, एक होता है एब्रोगेट, एक होता है रेसिंड, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या है, रद्द करना, रद्द करने को क्या बोलते हैं, एबोलिश। तो सहमत हो गया वो एबोलिश करने के लिए। अब ये मोरल क्या निकलता है इसका, इस कहानी का मोरल है, काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, कि जो दयालुता होती है, काइंडनेस होती है, वो हमेशा ही उसका पुरस्कार मिलता ही है, उसको हमेशा सराहा जाता है। ये भी पैसिव एज के साथ थर्ड फॉर्म, और इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होती है ना, वो पैसिव बनता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है, कि ऐसा होता है, है ना। तो काइंडनेस को हमेशा ही रिवॉर्ड मिलता है, काइंडनेस को हमेशा ही सराहा जाता है, ये इसका मॉरल है, कि उसने काइंडनेस दिखाई तो हॉर्स जो मैन था, किंग था, उसने भी दयालुता दिखाई, और देखिए पूरे पूरे गांव वालों को फायदा हो गया इस चीज़ का। तो ये तो थी पहली कहानी। स्टोरी नंबर टू है द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन मतलब सारस, क्रैब मतलब केकड़ा, और आप देख रहे हैं कि द लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी नाउन है
और यहाँ भी द लगा हुआ है तो ये भी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एंड दोनों चीज़ों को जोड़ेगा और एंड दो समान चीज़ों को जोड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो क्रेन एंड द क्रैब, देखिए कह रहा है एन ओल्ड क्रेन वॉज अनेबल टू कैच फिश, एक ओल्ड क्रेन था, एक बूढ़ा सारस था, वॉज अनेबल, वो असमर्थ था टू कैच फिश, मछलियां पकड़ने में। ध्यान रखिएगा फिश का प्लूरल नहीं बनता है, फिश का प्लूरल तभी बन सकता है जब उसके पहले कोई संख्या दे रखी हो, नंबर दे रखे हो और फिर आप उस नंबर को थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब भी किया हो आगे चल के कि वो संख्या इस तरीके से है, उसका कलर अलग है, स्पीसीज अलग है, तब तो आप बता सकते हो, वरना फिश का प्लूरल नहीं बनेगा। और इस स्टोरी में फिशेज लिखा गया है वो सही नहीं मानना है आपको, ठीक है। एन ओल्ड क्रेन वॉज अनेबल टू कैच फिश, एक बूढ़ा सारस अनेबल था फिश पकड़ने में, सो ही केम अप विद अ प्लान। देखो कम अप विद है ना, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई तरकीब निकालना, है ना, कुछ मतलब किसी चीज में सफल होना, यूं कह सकते हो कम अप विद का मतलब ये है। तो वो एक योजना लेकर आया या उसने एक योजना इजाद की, ठीक है। अब ये ही किसके लिए आ रहा है, क्रेन के लिए आ रहा है, लगाने को इट भी लगाते हैं स्टोरीज में, ही भी लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तक तो कुछ काम की बात नहीं है, जितनी की बात है काम की कि फिश का प्लूरल नहीं बनाना है। और फिश का जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये जरूर काम की बात है, फिश की जो कलेक्टिव नाउन होती है, देखो फिश सिंगुलर भी फिश होता है और इसका प्लूरल भी क्या होता है, फिश, एक तो ये ध्यान रखिए। और कलेक्टिव नाउन जो है फिश की, इसकी कलेक्टिव नाउन या तो होती है स्कूल, है ना, वही स्कूल जो विद्यालय बोलते हैं वो स्कूल कलेक्टिव नाउन भी होता है इसका, और शोल, ये दोनों कलेक्टिव नाउन है किसका, फिश का। मतलब फिश को सामूहिक रूप से क्या कहोगे, एक ग्रुप को क्या कहोगे, तो शोल या स्कूल कहते हैं इसको। तो देखिए क्या कह रहा है, तो वो फिर एक योजना लेकर आया, एक योजना बनाई उसने कि कैसे मछलियां खाएं, मछली पकड़ने में तो असमर्थ है। सिटिंग एट द एज ऑफ ए लैक, सिटिंग बैठे हुए, एट द एज किनारे पर, एज मतलब बैंक मान लो, किनारा मान लो, एक झील के किनारे पर, ही क्राइड, वो रोया, एंड अ क्रैब आस्क्ड हिम, और एक केकड़ा था उसने उससे पूछा द रीजन, कारण क्या है, द रीजन क्यों लगाया, रोने का कारण पूछा उसने, पता लग रही चीज कौन सी है तो दे लग गया। तो सिटिंग बैठे हुए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ऐसी स्थितियां जब आई एन जी लगकर कोई एडजेक्टिव बने, कोई भी क्रिया, तो कोई भी काम करते हुए, तो वो रोया है और रोने के साथ साथ उसका काम क्या था, बैठने वाला काम कंटिन्यू है। तो जो काम दो साथ में होते हैं, एक काम कंटिन्यू होता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो एज मतलब बैंक या किनारा, लेक के किनारे पर बैठे हुए वो रोया और एक क्रैब ने उससे उसका कारण पूछा। द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, दैट ही हर्ड, कि उसने सुना है, किसने सुना है, क्रेन ने, क्रेन ने कहा कि उसने सुना है, क्रेन, ये द क्रेन पता लग गया कौन सा क्रेन है, सेड इसकी वर्ब हो गई सेकेंड फॉर्म से की, दैट कंजंक्शन है, ही यहाँ पे इस क्रेन के लिए है, हर्ड है वो हियर की सेकेंड फॉर्म है, पीपल मतलब लोग, टॉक अबाउट नो रेन फॉर मैनी ईयर्स, कि लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि कोई बारिश नहीं होने वाली कई वर्षों तक। दो काम की बातें हैं, एक तो हियर के बाद में जब आप क्रिया लगाते हो तो सीधा आई एन जी लगा सकते हो या फिर सीधा बेस फॉर्म लगा सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। हियर के साथ में जब कोई क्रिया लगाते हो, सी के बाद में कोई क्रिया लगाते हो, ये हियर और सी दोनों याद रखो आप, ज्ञानेंद्रियों संबंधी वर्ब हैं, ये ईयर का काम फंक्शन होता है, कान का काम सुनना, आंखों का काम देखना, इनके साथ में आप बेस फॉर्म के साथ आई एन जी भी लगा सकते हो और बेस फॉर्म भी सीधा लगा सकते हो, जनरली हम बेस फॉर्म का प्रयोग इसके साथ में करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख लो कि हम बेस फॉर्म का इनके साथ में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ऐसा करते हुए, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं इस घटना को, तो हियर और सी के साथ में बेस फॉर्म, और मैनी के साथ में नाउन प्लूरल आएगी, काउंटेबल आएगी, और काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले ही मैनी आता है, अगर अनकाउंटेबल होता तो मच का प्रयोग हम करते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। तो क्रेन ने उसे कहा कि उसने लोगों को बात करते हुए सुना है कि कोई बारिश नहीं आने वाली कई वर्षों तक, ये जो नो होता है ना ये डिटर्मिनर होता है, याद रखिए नो क्या होता है, डिटर्मिनर, और इसके बाद में क्या आता है, नाउन, डिटर्मिनर के बाद में हमेशा ही नाउन आता है। दिस क्रैब वॉज वरीड, अब ये जो क्रैब था ये चिंतित हो गया, ठीक है, वरीड का सिनोनिम क्या कर सकते हो, एंक्शस,
लिख लो, वरीड का सिनोनिम क्या कर सकते हो, एंग्शियस। चिंतित, ठीक है। फिर कह रहा है द क्रेन सजेस्टेड, अब क्रेन ने सुझाव दिया दैट ही वुड कैरी ऑल द फिशेज टू ए नियर बाई लेक। अभी फिशेज की जगह फिश ही आना चाहिए, कि क्रेन ने सुझाव दिया कि वो कैरी करेगा, कैरी मतलब ले जाएगा सारी की सारी मछलियों को एक पास के झील में, क्योंकि बारिश तो होगी नहीं, अब ये भी प्यासी मर जाएंगी, एक तरकीब बता रहा है कि वो उनको पास के एक झील में ले जाएगा। द क्रैब टोल्ड हिज फ्रेंड्स, अब क्रैब ने अपने मित्रों को बताया इस बारे में कि भाई बारिश तो होने वाली है नहीं, लेकिन क्रेन देखो कितना दयालु है, हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, तो वो कह रहा है कि आप सभी को ले चलेगा अपने एक नज़दीक के झील में। तो वो खुश हो गए, दे कौन है, ये मित्र हैं उसके, क्रैब के। बट ही कैरीड देम टू अनदर स्पॉट, लेकिन वो, ये किसके लिए आ रहा है, क्रेन के लिए। कैरीड क्या है, कैरी की सेकेंड फॉर्म, डैम कौन है, फिश की बात है, अनदर मतलब कोई और, एक और, स्पॉट मतलब जगह। अब वो उनको ले गया किसी और जगह पे, एंड एट देम अप, एट अप, एट ईट की सेकेंड फॉर्म है, एट मतलब खाना, और ईट अप कर दोगे जितने हैं वो सारा का सारा खा जाना, ठीक है, ईट मतलब खाना, ईट अप कर दोगे तो जितना है वो पूरा का पूरा खा जाना, वो सारी मछलियां खा गया। When it was the crab's turn, turn मतलब बारी, अब बारी किसकी थी, केकड़े की, he climbed on the crane's neck back, तो वो सारस के पीठ पर चढ़ गया कि ठीक है मुझे भी ले चल उस किनारे, उस झील के पास, on the way रास्ते में। याद रखना है on the way होता है, in the way नहीं होता है, रास्ते में, ये एक फ्रेज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, on the way ही होता है, in the way नहीं होता है। यहां लिख देता हूं on the way, ये सही फ्रेज है, और हम आम बोलचाल की भाषा में कई बार इन द वे यूज कर जाते हैं, ये गलत है, इन द वे नहीं होता है, ऑन द वे होता है, ठीक है। रास्ते में क्या हुआ, ही सो अ हीप ऑफ फिश, हीप मतलब होता है ढेर, फिश मतलब मछलियां, बोन्स मतलब हड्डियां, तो मछलियों की जो बोन्स थी उसका ढेर देखा, एंड रियलाइज्ड, और उसको एहसास हो गया, रियलाइज हो गया क्रैब क्रेन का प्लान क्या है, उस सारस का योजना क्या है, उसे पता लग गई। अब जब पता लग गया उसको, तो उसने क्या किया, उसने बाइट कर लिया, बिट, देखो बीट बीट बीटन हमने देखा था अभी, देखो यहाँ इससे पहले बीट बीट बीटन, तो यहीं पर लिख लीजिए एक वर्ब होती है बाइट, बाइट बिट बीटन, बाइट की तीनों फॉर्म ये होती है, बाइट बिट बीटन और बीट बीट बीटन, ध्यान रखिए ये काटना है, बीट पीटना है, ठीक है। तो क्या किया, उस क्रैब क्रैब ने उसकी गर्दन को काट लिया, क्रेन फ्लू अवे इन पेन, अब काटा तो उसको दर्द हुआ तो उड़ गया दर्द में, तो क्रेन जो है फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, अवे मतलब दूर चला गया उड़कर दर्द में इन पेन, एंड द क्रैब रिटर्न टू द लेक, और वो वापस वहां पे लौट आया उस झील पर। मॉरल क्या है, हैविंग ए प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा दिमाग को चालू रखो, बंद मत करो, सोचना कंटिन्यूअस चलना चाहिए, है ना, हमेशा आपका दिमाग प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये था दो कहानियाँ इस सेशन में, दोनों स्टोरीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, पीछे की बहुत सारी चीज़ें हमने जानी हैं। अगले सेशन में कुछ और नई कहानियों के साथ मुलाकात होगी, आप ज़रूर से सेशन को शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ लाइक ज़रूर करके जाया करो। और पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी, कुछ रीजन्स रहते हैं, कुछ फैमिली रीजन्स थे, मैं परिवार मतलब फैमिली वालों से मिलने के लिए चला गया था गाँव, इस कारण से क्लासेस नहीं हुई, अब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी अपनी। तो आप पीछे के बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी, जब भी क्लासेस नहीं होती तो पहले वाली वीडियोस देख लिया करो, कोई खास बात नहीं, क्लासेस तो चलनी ही हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और स्टोरीज पढ़ेंगे और कुछ वंडरफुल सेशंस आपके लिए आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।